भगवान वाल्मीकि के विषय में सभी जानते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी ने आदि काव्य रामायण लिखा। ये बहुत कम लोगों को पता है या कुछ लोगों को जानकारी भी, संत महापुरुषों को तो जानकारी है, धर्मनिष्ठ को। भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना के साथ में रामायण को 100 करोड़ श्लोकों में लिपिबद्ध किया। 100 करोड़ श्लोक रचने के बाद में महर्षि वाल्मीकि जी के पास में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जब आए और उन्होंने कहा कि महर्षि इस इन श्लोकों का तीनों लोकों में इनका प्रचार प्रसार हो, तीनों लोकों के जो रहने वाले हैं उनको इन श्लोकों का ये श्लोक उन तक पहुंचे, तो इसके लिए कोई उद्यम ऐसा किया जाए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है, इसके लिए करते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने फिर उनको सुझाव दिया कि इसके लिए कौन उपयुक्त होगा। तीनों देवों ने बताया महर्षि वाल्मीकि को कि इनके लिए नारद जी को उपयुक्त। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि नारद जी को इसको उपयुक्त मानते हैं इनके लिए। तो नारद जी को ये आदेश हुआ कि आप तीनों लोकों में जाकर इन 100 करोड़ श्लोकों को वितरित करें। 100 करोड़ श्लोक लेकर जब नारद जी तीनों लोकों में गए तो 33-33 लाख श्लोक जो है, 33-33 करोड़ जो श्लोक है तीनों लोकों में बंटवा दिया। 1 करोड़ श्लोक रह गया, बाकी बच गया, क्योंकि 99 बच गया 3 जगह उसको। तो नारद जी गए कहने लगे स्वामी जी ये 1 करोड़ बचे हैं, इनका क्या करना, ये मैं रख लूं? उन्होंने कहा कि नहीं, 1 करोड़ को भी बांट कर आए आप। तो 1 करोड़ को बांटने के लिए 33-33 लाख बट गए, उसमें से 1 लाख बच गया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी 1 लाख तो मैं रख लूं, मैं 2 बार परिश्रम कर चुका। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, इनको भी तीनों लोकों में बांट के हैं। तो 1 लाख श्लोक को भी बांटने के लिए 33-33 हजार बट गया, 1 हजार बटा। फिर उन्होंने आग्रह किया कि मैं रख लूं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 1 हजार को भी बांट कर, 1 हजार में से बट गए तो उसमें 100 रह गए, 900 बट गए तो 100 रह गए। उन्होंने कहा स्वामी जी ये तो मुझे दे दो। कहने लगे इसको भी बांट कर 100 श्लोकों को। फिर उसमें से 1 श्लोक रह गया। तो कहने लगे अब तो कुछ भी नहीं रहा इसका, अब तो मुझे इस 1 श्लोक तो दे दो। वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, 1 श्लोक भी नहीं, इसको भी बांट कर आए तीनों लोकों में। तो उन्होंने तीनों लोक में बांट के आए। तो उसमें से वाल्मीकि भगवान ने कहा कि तुमको इसको मैं तुम्हारा पारिश्रमिक मिलेगा, जो तुमने उद्यम किया, जो तुमने परिश्रम किया है, जो मेहनत किया उसको तुमको पारिश्रमिक मिलेगा, इसको 1 श्लोक को भी बांट कर आए। तो 1 श्लोक बांट कर आए तो उसमें से 2 शब्द रह गए, रा और मा रह गए। तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं रामायण की आत्मा, रामायण का सार तत्व आपको देता हूँ, मैं रा और मा आपको देता हूँ, मैं राम आपको देता हूँ। क्योंकि उसमें जो है ना, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण को लिपिबद्ध जो किया है, अनुष्टुप छंद में जो है ना लगभग 16 अक्षर होते हैं। एक श्लोक जब रह गए तो 1 श्लोक भी भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने बटवाया। तो भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण को जो है ना छंद, क्योंकि संस्कृत और हिंदी भाषा की एक विधा कलात्मक शैली है इन भाषाओं की, तो उसमें महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को जो है ना पद्य गद्य छंदों में इसको लिखा है, अलंकारों में, इसमें जो अलंकार इसमें उपयोग में लाए हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने अनुष्टुप छंद में इस महर्षि वाल्मीकि रामायण को बहुत उसमें बहुत किया है। तो उनका पहला जो श्लोक है मान शाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समह यत क्रौच मिथुनादिकम अवधि काम मोहितम, इसमें 16 अक्षर ऊपर 16 अक्षर नीचे है। तो इसमें से ए रा और मा रह जाता है, वो उनको नारद जी को दिया। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि 100 करोड़ श्लोकों के रचयिता जो कि हमें उच्च एवं महान संस्कृति की याद दिलाते हैं, ब्रह्मांड की मर्यादा के स्थापित करता, सीता के रक्षक, लव कुश के शिक्षादाता, महर्षि वाल्मीकि जी के अलंकार हैं जो उनके रख सकते हैं उनके लिए जो रखते हैं। दूसरा महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में यह है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो आदि काव्य रामायण लिखा, रामायण तो जो ऐसा है, रामायण तो उन लोगों के लिए जो संसारिक लोग, जिनको संसार अच्छा लगता है, उनके लिए कि ग्रस्त जीवन में रहकर, परिवार में रहकर अपने जो है ना हम नियम संयम को ठीक रखें, हम अपने सिद्धांत को ठीक रखें, अपने व्यवहार को ठीक रखें, अपनी मर्यादाओं को ठीक रखें। क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण को मर्यादा के बांधा है,
जैसे उसमें मर्यादा ये है कि परिवार का एक संयुक्त परिवार में क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, संयुक्त परिवार के क्या संस्कार होने चाहिए। यदि पिता पुत्र को कोई आज्ञा देता है, उस आज्ञा में कितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए, उसमें जीवन कितना ही हमारा परेशानी में क्यों ना पड़ जाए, कितना ही दुखी क्यों ना हो जाए, लेकिन पिता के द्वारा दी गई आज्ञा है, आदेश है, उसका हमको पालन कर। चाहे पिता ने विवश होकर, राजा दशरथ ने विवश होकर उनको आज्ञा दिया था, लेकिन विवश होकर उस आज्ञा को भी उन्होंने सूत्रधारी मान के उसका प्रतिपालन किया और 14 वर्ष राम जी वनवास में भटके। तो पिता की आज्ञा का पालन करना ये राम जी ने। दूसरा, भाई का कर्तव्य क्या होना चाहिए, अगर भाई पर कोई संकट विपत्ति आ गई तो भाई को साथ लेना चाहिए। लक्ष्मण जी फिर राम जी के साथ रहे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्योंकि थे नहीं, अगर वो भी होते साथ में तो संभवतः वो भी साथ ही जाते। तो राम लक्ष्मण जी राम जी के साथ में गए, तो भाई का भाई के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए, पुत्र का पिता के प्रति क्या मर्यादा होनी चाहिए, और एक पत्नी का पति के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए। जब सीता वनवास मिला राम जी को, लेकिन राम जी के साथ में लक्ष्मण जी भी गए और सीता जी भी गई, और कितना कष्ट उठाया सबको हमको मालूम है। सीता जी का हरण हुआ, वहां पर बहुत सारे राक्षसों का सामना करना पड़ा, बहुत राक्षसों का संहार किया। तो इसमें रामायण में क्या है कि रामायण एक संयुक्त परिवार की संरचना है, कि संयुक्त परिवार में रहकर हम ईश्वर को मानते हुए, भगवान को मानते हुए, भगवान में अपनी निष्ठता रखते हुए अपने परिवार के प्रति हमको निष्ठावान होना चाहिए। ये रामायण हमको बताती है कि संसार में रहकर हमको कैसे मर्यादित रहना चाहिए। इसके इतरों का महर्षि वाल्मीकि जी ने एक ग्रंथ और लिखा जिसका नाम है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ क्या है कि योग के द्वारा वासिष्ठता को प्राप्त करना, अर्थात जो योग का अर्थ है कि जीवात्मा का परम तत्व से योग हो जाना, मिल जाना। योग का मतलब जुड़ जाना, जीवात्मा का उस परम तत्व से मिल जाना योग है। योग वशिष्ठ, योग के माध्यम से हम वशिष्ठता को कैसे प्राप्त कर लें, उस जीव आत्मा को उस परमात्मा के साथ में कैसे उसका मिलन हो, उसकी समग्रता में कैसे समाहित हो जाए। वशिष्ठ का अर्थ है बड़ा होना, समग्रता। तो ये जीव आत्मा उस परम तत्व में जाके कैसे मिलन हो, तो योग वशिष्ठ जो लिखा है वो योग वशिष्ठ ये कि जो संसार से विमुक्ति चाहते हैं, रामायण जो संसार में रहते हैं वो संसार में रहकर रामायण का प्रति उसका करेंगे, रामायण का आचरण करेंगे, रामायण के उसको अपने जीवन में लाएंगे तो अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं। और जिनको संसार से विमुक्ति चाहिए, संसार से दोबारा जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना चाहते, उनके लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने योग वासिष्ठ लिखे। योग के माध्यम से इस संसार से छूटने का कैसे रास्ता है, हम कैसे इससे छूट सकते हैं, वो सिद्धांत महर्षि वाल्मीकि जी ने योग वासिष्ठ में बताया। तो ऐसे महर्षि हुए जिन्होंने संसारिक लोगों के लिए संसार वाला रास्ता और संसार से विमुक्ति वाले लोगों के लिए कठिन रास्ता बताया। जिस भगवान वाल्मीकि जी ने अपने कहा रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, उनका संदेश जन जन तक पहुंचे, उसके लिए क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए। देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी आज भी प्रासंगिक है, वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान समय में जो है ना, जो पारिवारिक संरचनाएं, हमारी पारिवारिक संरचनाएं जो रामायण में निहित है, जो रामायण में है, राम जी का परिवार, दशरथ जी का परिवार, अब परिवार में जो है ना विद्वेष, आज के युग समय में परिवार में उतना स्नेह नहीं है, परिवारों में आपस में विद्वेष हो जाता है, धन को लेकर हो जाता है, संपत्ति को लेकर हो जाता है, और किसी विषय को लेकर, व्यवसाय को लेकर हो जाता है, मन मुटाव छोटी छोटी बातों पर हो जाता है। तो आज महर्षि वाल्मीकि रामायण बहुत प्रासंगिक है। रामायण का अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में अध्ययन करेगा, अध्ययन करके अपने जीवन में उसको आचरण में लेकर आएगा, अपने व्यवहार में लेकर आएगा, जब आचरण में व्यवहार में लेकर आएगा तो उसका जीवन जो है शांति में होगा, आनंद में होगा, रामायण में होगा, भगवान महर्षि वाल्मीकि में होगा। तो परिवार के कलेशों का जो है ना, उसमें कलेश बहुत कम होंगे, परिवार की जो है ना दुख कम हो जाएंगे, कष्ट कम हो जाएंगे, इसलिए आज रामायण बहुत प्रासंगिक है। अब इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपका विषय ये भी था कि युवाओं के, भगवान वाल्मीकि युवाओं के लिए कैसे प्रेरित है, प्रेरित कर सकते हैं। जी जी जी, वो आगे है, इसी यहीं पे ले लेते हैं। तो युवाओं को पास, क्योंकि युवा आजकल हम देख ही रहे हैं कि नए युग में अलग अलग तरीके से वो अपनी जड़ों से हटते जा रहे हैं, तो युवाओं के पास भगवान वाल्मीकि के
संदेश पहुंचे और वो उसको समझे, अपनी जड़ों को समझे, उसके लिए समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, समाज में धर्म जो धार्मिक धर्माचारी हैं, वाल्मीकि समाज के भी धर्मगुरु जो है, धर्म को चलाने वाले मानने वाले हैं, साधु संत पीर फकीर हैं, वो समाज में धार्मिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वाल्मीकि समाज भी देश की मुख्य धारा से जुड़ा है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको शिक्षा का विषय है, जो कि हमें वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में निहित किया। उससे पहले बड़ी विसंगतियाँ थी कि भाई दलित समाज को या उस समाज को बहुत आगे नहीं आने दिया जाता, शिक्षा भी नहीं प्राप्त की जाए। लेकिन जब से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की संरचना की तो हमको ये अधिकार मिला शिक्षितों ने, तो आज वाल्मीकि समाज में भी शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। युवाओं में भी शिक्षा का बहुत चलन है। युवाओं में शिक्षा का चलन होने के साथ साथ में यह है कि धर्म के साथ जुड़ने के लिए लोग जुड़ भी रहे हैं, धर्म को मान भी रहे हैं। युवाओं को प्रेरित करने के लिए, जैसे एक परिवार था, युवावस्था में ही राम जी अपने परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर वनवासी हुए थे। युवावस्था में लक्ष्मण जी उनके साथ में गए थे, युवावस्था में ही सीता जी उनके साथ में गई थी। तो युवकों को ये जो युवावस्था में जो है उनको इस वाल्मीकि रामायण को अगर आधार मानकर चलते, रामायण वाल्मीकि रामायण को सीख देती है कि परिवार में रहकर युवक जो है ना, युवावस्था में भी हम अपने संस्कारों का, अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं, और निर्वाह ही उसमें युवा काल में होता है। भक्ति भी युवा काल में होती, बुढ़ापे में आकर भक्ति करेंगे तो सब कुछ निकल जाएगा, तो भक्ति भी युवा अवस्था में ही होती है। अच्छा, अगर हम बात करें ये इस मंदिर की, इस मंदिर में दर्शन की प्रक्रिया क्या रहती है? दर्शन सुबह इसको 4 बजे मंदिर को खोल देते हैं, सुबह 5 बजे आरती होती है। आरती होने के बाद में प्रसाद वितरण होता है, जो श्रद्धालु आते हैं उनको दर्शन करें। अपना दर्शन करने के बाद में जिनको बैठ कर ध्यान करना ध्यान करें, जिनको बैठ के पूजन करना पूजन करें। लगभग 12 बजे तक मंदिर को खोलते हैं, 12 से 4 बजे के बीच में मंदिर को थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, 4 बजे के बाद में फिर रात्रि 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। जी, एक और विषय था जो भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव है, इस मंदिर द्वारा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश कर दिए। क्योंकि भगवान वाल्मीकि समाज की आराध्य देव हैं, आराध्य भगवान है हमारे, उनके प्रकाट्य दिवस को भगवान वाल्मीकि समाज जो है, वाल्मीकि श्रद्धालु, वाल्मीकि धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ में मनाते हैं। इस वर्ष भी 28 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस है। इसकी शोभा यात्रा लाल किले से प्रारंभ होकर इसी वाल्मीकि मंदिर में आके सम्पन्न होती है। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु गण होते हैं। मंदिर पर आते आते हुई संख्या जो हजारों की संख्या लाखों में तब्दील हो जाए, बदल जाती है। मंदिर में लगभग दिल्ली पुलिस कहती है कई लाखों की संख्या में लोग दर्शनार्थियां दर्शन करने के लिए आते हैं। उस दिन भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर पर जो है प्रातः काल में 4 बजे मूर्तियों के 3-3:30 बजे मूर्तियों को वस्त्रांकृत किया जाता है, स्नान ध्यान कराते, उसके बाद में आरती होती है। 5 बजे आरती के बाद में तुरंत प्रसाद वितरित होता है। और उस दिन जो है, क्योंकि शरद पूर्णिमा है, तो उसे एक दिन पहले खीर बनाकर हम लोग रखते हैं उसको चंद्र की उसमें प्रकाश में, और सुबह उसको वितरित करते हैं। बताते हैं कि उस खीर को खाने से जो है ना, जिसके दमे का रोग है वो उस रोग भी ठीक होता है। उस खीर का वितरण होता है और उसके लगभग 9 बजे के आसपास में हवन होता है। अब रामायण का पाठ होता है लगभग 15 दिन पूर्व, नवरात्रों में रामायण का पाठ शुरू हो जाएगा। वैसे तो रामायण का पाठ सब लोग जो है सामान्य रूप से नवरात्रों के बीच में उसको संपन्न कर देते हैं नवरात्रों में नवमी को, लेकिन मंदिर पर ये 15 दिन चलता है वाल्मीकि प्रकट दिवस तक। इसमें बच्ची की, हमारी बस्ती की जो बालिका है, उसका रामायण का पाठ करती है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। सुबह 9 बजे वाल्मीकि प्रकट दिवस वाले दिन जो हवन होगा तो उस समय में इसका रामायण के पाठ का समापन होता है। उन बालिकाओं का सम्मान होता है, उन बालिकाओं का पूजन होता है, और उसके बाद में हवन के बाद में फिर ये लंगर भंडारा लगभग 12 बजे शुरू करते हैं। प्रसाद जो है ना पूरे दिन भर चलता है, उसमें कड़ा प्रसाद जो होता है, लंगर भंडारा होता है, और शाम को आते आते लगभग ये संख्या जो है बहुत विशाल हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। शाम के वक्त में मंदिर पर जो है ना संध्या काल में हम सर्वधर्म संभाव सभा करते हैं, जिसमें सभी धर्मों के धर्माचार्य आते हैं, और उस धर्म सभा में फिर
वाल्मीकि समाज वाल्मीकि जी के प्रति सभी लोग कृतज्ञता प्रकट करते हैं, सभी भगवान वाल्मीकि जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं, उसी में कुछ विशिष्ट व्यक्ति भी आ जाते हैं और उसके बाद में फिर रात्रि में सर्वधर्म संभव सभा समाप्त होने के बाद में फिर रात्रि में भजन संध्या होती है। तो जब तक शोभा यात्रा नहीं आती तब तक भजन संध्या चलती है और इसमें विशाल अटूट लंगर भंडारा चलता है जिसमें लाखों की संख्या में बैठकर लोग बाग लंगर भंडारे को छकते हैं। तो एक तो अपना जो प्रकट उत्सव दिवस का रहता है वो तो बड़े धूमधाम से मनाया ही जाता है, इसके अलावा साल में और कोई बड़ा आयोजन होता है, कई गतिविधि रहती है उसके मंदिर को लेकर? नहीं, गतिविधि क्या है कि वो साल में जो वर्ष में दो चार पांच कार्यक्रम हमारे बड़े होते हैं। एक कार्यक्रम जैसे हमारे गुरु जी की बरसी होती है वो अप्रैल माह में आती है, उस कार्यक्रम को करते हैं। पहले वसंत पंचमी को हम जो है ना वाल्मीकि प्रकट दिवस के कार्यक्रम को, इसको हम प्रीति भोज कहते थे, इसका संक्षिप्त रूप होता था वाल्मीकि प्रकट दिवस का। जिन्होंने वाल्मीकि प्रकट दिवस में कार्य किया है, सेवादार रहे हैं जो भी हैं जिनका, तो उन लोगों के साथ में बैठ के सामूहिक भोज, तो उसको हम स्नेह भोज बोलते हैं। वाल्मीकि प्रकट दिवस के बाद में उपरांत उसको हम पहले वसंत पंचमी को करते थे, लेकिन अब वो कार्यक्रम हमने जो है ना अप्रैल में कर लिया है। वसंत पंचमी को पूजन होता है, उस दिन लंगर भंडारा भजन कीर्तन सत्संग होता है, उस दिन भी भंडारा होता है, बड़ा कार्यक्रम जो है ना गुरु जी की उसमें बरसी पर होता है चौथे महीने में। बाकी रामनवमी होगी, जन्माष्टमी, ये जो छोटे प्रेम पर्व होते ये मनाते हैं, अपना गुरु पूर्णिमा वो बहुत बड़े उस रूप में मनती है, और अंबेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को होती है उसको लंगर भंडारा बाहर करते हैं, चल समारोह होता है, चल समारोह के बीच में जो बाहर से लोग आते रहते हैं उनके लिए खुला लंगर भंडारा होता है, तो लंगर भंडारे को बाहर जो है ना मुख्य मार्ग वो चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने पूरी मंदिर से भगवान वाल्मीकि के बारे में पूरी जानकारी दी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।